आप सोच रहे होंगे ये बच्चे कौन है। ये है शिब्रा और शामीर। बचपन में दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और अब जवानी में दोबारा मिल चुके हैं। ये सारी स्टोरी क्या है, ये बात सिर्फ दो बंदों को पता थी, दाऊद को और सुलेमान को। जी हाँ, शामीर की माँ सुलेमान को पसंद करती थी, इनकी पार्टी में था दाऊद की, लेकिन इनका घर में आना जाना काफी था, इसी वजह से शामीर की माँ सुलेमान साहब को पसंद करने लगी थी इनके अंदाज से। और इन दोनों को दाऊद देख लेता है कि ये दोनों काफी नजदीक होते जा रहे हैं, इसी वजह से दाऊद इनको अलग कर देता है। और यहाँ सुलेमान साहब को भी पता चल जाता है कि दाऊद को सब कुछ पता चल चुका है। शामीर की माँ को यह गम खा जाता है और इनका इंतकाल हो गया। पुराना वक्त दोबारा वापसी आ गया है दाऊद और सुलेमान के सामने। अब इन दोनों के बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। महरीन शिब्रा के घर पे पहुंच चुकी है क्योंकि इनकी मुलाकात पहले ही हो चुकी थी, तो यहाँ शिब्रा इनको घर में बुला लेती है। मैं आपसे काफी इंस्पायर हूँ, आप काफी बहादुर है। मेरा एक छोटा मसला है, मैं किसी को पसंद करती हूँ लेकिन वो किसी और को पसंद करता है। शिब्रा बोलती है तो तुम उस लड़की को बता दो, मैं वही तो नहीं बता सकती। लेकिन यहाँ शिब्रा यही बात फजल बख्श को बताती है, लेकिन फजल बख्श बिल्कुल फंस चुका है। अंदाजा हो गया है कि महरीन को सब कुछ पता चल गया है, लेकिन फजल बख्श बोलेगा शिब्रा को, तुम नहीं समझोगी, छोड़ो इस बात को। यहाँ शिब्रा वापसी नीचे आ जाती है छत से, लेकिन सुलेमान साहब शिब्रा को देख लेते हैं कि वो छत से नीचे उतर रही है, और फजल बख्श को भी देख लिया है कि ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। यहाँ सारा राज खुल चुका है, शिब्रा घबरा चुकी है। अब देखना ये होगा कि शिब्रा बता पाएगी अपने बाबा को कि मैं पसंद करती हूँ फजल बख्श को। सुलेमान साहब अपनी वाइफ को बताएंगे कि ये देखो कि क्या हो रहा है घर के अंदर, तुम्हें कुछ पता है, यहाँ सब कुछ पता है, लेकिन आपको नहीं पता कि शिब्रा और फजल बख्श दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं तो इस रिश्ते से राजी हूँ, लेकिन अब आप भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें। यहाँ दाऊद को सब कुछ पता चल चुका है, यहाँ सुलेमान की बेटी से प्यार करता है मेरा बेटा, लेकिन सुलेमान साहब को नहीं पता कि फजल बख्श दाऊद का बेटा है। लेकिन कब तक ये बात छुपेगी? महरीन ने तो सब कुछ बता दिया है दाऊद अंकल को कि आपका बेटा तो शिब्रा से प्यार करता है, वो भी सुलेमान की बेटी है, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। यहाँ अब दाऊद क्या करेगा आगे? महरीन ने ऑलरेडी धमकी दे चुकी है दाऊद साहब को, लेकिन यहाँ शामीर खुद बताएगा अब शिब्रा को, ये जंग काफी आगे तक निकलेगी, शामीर पॉलिटिक्स में आएगा अब। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।